Hi friends, welcome to the desk, Deva English's Potter class. Friends, today we'll know about the use of say, tell, speak and talk. आज हम say, tell, speak and talk के बारे में सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल हम सही तरीके से कैसे और किस तरह के sentences में करते हैं. ठीक है friends? हालांकि चारों का मतलब ही होता है कहना या बोलना या बात करना. ठीक है friends? हालांकि चारों का मतलब भी होता है कहना, लेकिन चारों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग जगहों पर होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज आज हम सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, से मींस भी कहना होता है, टेल मींस भी कहना होता है, स्पीक मींस भी कहना और टॉक मींस भी कहना. लेकिन नॉर्मली से मतलब कहना और टेल मतलब कहना, स्पीक मतलब कहना, टॉक मतलब कहना का इस्तेमाल सभी सेंटेंसेस में, सभी तरह की सेंटेंसेस में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से किया जाता है. जैसे से का अगर हम कहीं इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई शर्त होता है कि से का इस्तेमाल हम कब करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके सबका इस्तेमाल सीखते हुए देखते हुए हम समझेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम से को लेते हैं. तो से, जब भी हम से का इस्तेमाल करते हैं तो से के जस्ट बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं या नहीं रखते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, से का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो से का इस्तेमाल करने के जस्ट बाद हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही सेज दैट ही इज अ पोएट, वो कहता है कि वो एक कवि है. आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर होता है से का. ठीक है फ्रेंड्स, he says that he is a poet. अभी says के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ that लगा है, फिर he is a poet. ओके फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें कि he says to me, यहाँ पर आप बोलेंगे कि me तो ऑब्जेक्ट है, बट जब भी say के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो उसमें हम to जरूर लगाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, ये शब्द कि जब भी say के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, me, him, her, them, us, ऐसा कुछ भी आ रहा है तो उसके पहले हम to जरूर लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, बिना to के लिखना गलत होगा ग्रामेटिकली. ओके फ्रेंड्स, he says to me, I can teach you. अगर इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में says नहीं होता, फिर से हट जाता है, फिर tell आ जाता है से की जगह पर. ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि to हटाना होता है. तो जब हम इसका इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो से की जगह पे टेल है. हम बनाकर आपको दिखाई देते हैं ना, ही टेल्स मी, ऐसा हो जाएगा. ही टेल्स मी दैट, अभी आई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में अभी आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं. ही कैन टीच यू, मेरे लिए बोला जा रहा है तो मी. ओके फ्रेंड्स, तो सेज का टेंस हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में. किसी भी सेंटेंस में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो तो डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सेज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान रहे, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर टेंस हो जाता है, टेल हो जाता है, न कि से रहता है. ठीक है फ्रेंड्स, अभी तीसरा सेंटेंस, ही सेड दैट ही वुड नॉट प्ले, उसने कहा कि वो नहीं खेलेगा. दिस इज ऑलरेडी इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये ऑलरेडी पहले से इनडायरेक्ट में है. तो ही सेड दैट ही वुड नॉट प्ले, उसने कहा कि वो नहीं खेलेगा. तो ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बस कहने का मतलब यही है. अब आप बोलेंगे सेड कहां से आया से की जगह पर, तो सेड इज द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द से. से का दूसरा और तीसरा फॉर्म सेड होता है, मींस पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लेते हैं टेल. अभी हम समझेंगे टेल. टेल का मतलब भी कहना होता है, बट टेल में विद ऑब्जेक्ट होता है. बिना किसी ऑब्जेक्ट के हम सिर्फ टेल नहीं बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हम टेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद, उसके जस्ट बाद किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे टेल हिम टू गो, उससे जाने के लिए कहो या उससे कहो कि वो जाए. ठीक है फ्रेंड्स, टेल, टेल के जस्ट बाद हिम आया है, मींस ऑब्जेक्ट आया है. टेल के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, वो हिम हो, हर हो, देम हो, अस हो या यू हो,
या कोई भी नेम हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल, उसने मुझसे कहा कि वो बीमार था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही टोल्ड मी, टोल्ड के दस बार, टोल्ड के जस्ट बाद मी आ रहा है, तो मी इज द ऑब्जेक्ट, तो टेल में हमेशा ऑब्जेक्ट जरूर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, विदाउट ऑब्जेक्ट का टेल नहीं होता है। इसमें ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब चेंज करते हैं डायरेक्ट को, तो उसमें टोल्ड, टेल और टोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, या हम कभी फॉर्मली किसी को ऑर्डर देते हैं, कुछ कर रहे, कह रहे होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो वहां पर टेल का इस्तेमाल हम ज्यादातर करते हैं। जैसे ही माई फादर टोल्ड मी टू स्लीप अर्ली, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जल्दी सो जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का इस्तेमाल होता है टेल का। अभी स्पीक, स्पीक का इस्तेमाल, स्पीक का इस्तेमाल हम फॉर्मल सेंटेंसेस के लिए करते हैं, फॉर्मली करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वह इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मल हुआ ना, मींस कोई गहरी बात नहीं हुई, इसमें कोई भी गहराई नहीं है, बस फॉर्मली हम बोल रहे हैं कि वो अंग्रेजी अच्छा बोलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस। ओके फ्रेंड्स, आई कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, मैं थ्री लैंग्वेज बोल सकता हूं, यह भी फॉर्मल हुआ, फॉर्मली हुआ, मीन्स फॉर्मली सेंटेंसेस के लिए हम ज्यादातर स्पीक का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद स्पीक के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऐसा कोई मायने नहीं रखता, कोई जरूरी नहीं है, स्पीक का इस्तेमाल फॉर्मली किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अभी टॉक, टॉक का इस्तेमाल इनफॉर्मल सेंटेंसेस के लिए करते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत गहराई हो। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ओके, तो हम अभी सेंटेंस बनाते हैं कि माय फ्रेंड टॉक्ड अबाउट हिज जर्नी, फ्रेंड्स माई फ्रेंड टॉक्ड अबाउट हिज जर्नी, मेरे दोस्त ने अपने यात्रा यानी कि जर्नी के बारे में कहा, यानी कि बताया, बात किया। टॉक्ड का नॉर्मली इसका जो हिंदी होता है वो होता है बात करना। ओके फ्रेंड्स, हम किसी को बोलेंगे कि वो मुझसे बात कर रहा है या मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो वहां पर हम टॉक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्पीक टेल और से का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टडी। ओके फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टडी, मैं तुम्हारे स्टडी के बारे में बात कर रहा हूं। ये हो गया, मीन्स हम टॉक का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, जहां पर बात करने की बात है, उसने बात की, उसने क्या बात की बोलते ना, उसने क्या बात की, तो व्हाट डिड ही टॉक अबाउट, उसने क्या बात की, तुम क्या बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वो मुझसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू मी। ओके फ्रेंड्स, तो टॉक का इस्तेमाल बात करने के लिए होता है, जब भी हम बात करने जैसा सेंटेंस आए या किसी से बात करना हो या कोई किसी से बात कर रहा हो, तो वहां पर हम बात करने के लिए टॉक का इस्तेमाल करेंगे, न कि स्पीक टेल और से का। ओके फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया कि टॉक का इस्तेमाल हम बात करने के लिए करते हैं। इसमें हम आपको फॉर्मली और इनफॉर्मली बताएंगे कि फॉर्मली तरीके से और इनफॉर्मली तरीके से यूज होता है, तो वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट मेरे ख्याल से ये आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि टॉक का मतलब बात करना होता है, तो हम बात करने के लिए कभी भी हम टॉक का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सब बोलेंगे, व्हाट आर यू
talking about? Okay, friends, what are you talking about? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो तुम? Okay, friends, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। करता हूँ कि आपके दिमाग में अभी ये चीज क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि से, टेल, टॉक एंड स्पीक का इस्तेमाल हम कब और किन स्थितियों में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।